देखेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 7th के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है जूलियस सीजर। तो पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, हु वर द वर्कर्स क्वेश्चन्ड बाय फ्लेवियस एंड मैरुलस। इन दोनों ने वर्कर्स से जो क्वेश्चन किया था वो दोनों कौन थे। वो जो वर्कर्स जो थे, द वर्कर्स क्वेश्चन्ड बाय फ्लेवियस एंड मैरुलस वर अ कारपेंटर एंड अ कॉबलर। जिनसे क्वेश्चन किया गया था उनमें से एक कारपेंटर था और एक कॉबलर था, यानी कि मोची था। व्हाट टूल्स वर दीज वर्कर्स मेंट टू कैरी। इनके पास कौन से टूल्स थे। द कारपेंटर वॉज मेंट टू कैरी अ लेदर एप्रन एंड द कॉबलर वॉज मेंट टू कैरी हिज ऑल। कॉबलर के पास क्या होना चाहिए था, एक एप्रन, यानी कि जो कारपेंटर था वो अपने पास एक एप्रन रखता है। एप्रन आपको पता ही, जो हम किचन में खाना बनाते वक्त हमारे जो शेफ्स पहनते हैं तो उसी को एप्रन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लेदर एप्रन, इनका स्पेशल एप्रन होता है जो लेदर का बना होता है। दूसरे जो कॉबलर होता है उसके पास एक ऑल होना चाहिए। ऑल आपने देखा होगा ना, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें यहाँ होल होता है, यानी कि जिससे जो कॉबलर है वो धागे को जूते के आर पार करने की कोशिश करता है। वाई डज मैरुलस गेट एनॉयड विद द कॉबलर। मैरुलस जो था वो कॉबलर से परेशान क्यों हो गया। Merulus gets annoyed with the cobbler as he says him that he can mend Merulus if he wants to start with him. जब वो कहता है कि वो Merulus को mend कर सकता है, mend का मतलब होता है ठीक करना, उसको ठीक कर सकता है अगर वो उसके साथ करना चाहे, रहना चाहे तो। Flavius asks the cobbler why he leads others about the street. What clever answer does the cobbler give? What does this show about? Flavius and the cobbler. Flavius जो cobbler से पूछता है कि वो लोगों को street पे क्यों lead करता है, यानी कि उनको रास्ता क्यों दिखाता है, तो cobbler ने एक बहुत ही चतुरतापूर्ण बढ़िया आंसर दिया। वो कौन सा आंसर था, क्या आंसर था, और इससे हमें Flavius और cobbler के बारे में क्या पता लगता है। Flavius asks the cobbler why he leads others about the street. The cobbler answers that he would mend the shoes of the people if anyone have any problem in their shoes, he will get more work there. तो वो कहता है कि मैं अगर सड़क पे होऊंगा और वहाँ पर लोगों के आगे पीछे घूमूंगा तो मुझे काम ज़्यादा मिलेगा, लोगों के जूते खराब होंगे तो उन्हें ठीक करने का मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा। Flavius के बारे में क्या पता लगता है इससे। This shows that Flavius about Flavius that he was against all type of gathering for Julius Caesar. He tried his best to send the people back. यहाँ से पता लगता है कि वो जूलियस सीजर के बिल्कुल खिलाफ है और वो लोगों को वापस भेजने की भी कोशिश करता है। कॉबलर के बारे में क्या पता लगता है। दिस शोज अबाउट द कॉबलर दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू बिगाइल फ्लेवियस इन हिज इंटेंशन टू सेंड हिम बैक होम विदाउट रिजॉइजिंग द ट्रायंफ ऑफ जूलियस सीजर। तो हमें पता लगता है कि जो कॉबलर था वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो फ्लेवियस जो है उसके मोहने में नहीं आता, यानी उसकी बातों में नहीं आता है, क्योंकि फ्लेवियस चाहता है कि सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं, जूलियस सीजर की जो जीत है या उसकी जो खुशी है उसको वो ना मना सके, लेकिन कॉबलर उसकी बातों में नहीं आता है। तो हमें पता लगता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, Why does Merulus call the citizens blocks and stones? What is attitude towards the common people? Merulus जो है वो citizen, आम लोगों को, नागरिकों को blocks और stones क्यों कहता है, और उसका attitude जो है आम लोगों के प्रति इस तरह का है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि किस प्रकार का attitude है, वो अच्छा है, खराब है, क्या attitude है उसका। Merulus calls the citizens blocks and stones as they were gathering without any reason. They had no idea about the achievement of Caesar. According to him, Caesar had not conquered any kingdom. He had just won a civil war. There is no reason to rejoice and enjoyment. That is why he was angry and annoyed for the activities of the common people. He treats them as the stupid and nonsense fellows. Merulus जो है citizens को blocks और stones इसलिए कहता है क्योंकि वो लोग बिना किसी कारण से ही वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि सीजर ने एक्चुअल में क्या अचीव किया है। उसके मुताबिक सीजर जो था उसने कोई किंगडम नहीं जीता है, कोई राज्य नहीं जीता है, उसने सिर्फ सिविल वॉर जीती है, गृह युद्ध जो होता है उसी को जीता है। और ऐसे में वो लोगों से काफ़ी गुस्सा था कि लोग बिना किसी रीज़न को जाने यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं
और एंजॉय कर रहे हैं। इसी कारण से वो लोगों से गुस्सा था और लोगों को स्टूपिड और नॉनसेंस कह रहा था। हु वॉज पॉम्पे, पॉम्पे कौन था? पॉम्पे वॉज अ जनरल ऑफ जूलियस सीजर। ही वॉज रेबिलियस अगेंस्ट सीजर, देन सीजर फॉट अगेंस्ट हिम एंड डिफीटेड हिम। पॉम्पे की बात करें तो वो जूलियस सीजर का एक जनरल था, कमांडर था बोल सकते हो। वो सीजर के खिलाफ था। रेबिलियस का मतलब था विरोध करना, विद्रोह करना, वो एक विद्रोही था। और देन फिर बाद में सीजर ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको हरा दिया। तो इस तरह की घटना अक्सर राज्यों के अंदर होती रहती है कि जहां पर राजा का विरोधी खड़ा होता है और फिर राजा उसको हराने की कोशिश करता है। तो ऐसी ही उसने जीत दर्ज की थी, यानी कि कोई किसी दूसरे राज्य पे जीत नहीं दर्ज की थी, उसने सिर्फ पोम्पे पे जीत दर्ज की थी। वाई डू द सिटीजन्स फील गिल्टी, सिटीजन्स को गिल्टी क्यों फील हो रहा था? द सिटीजन्स फील गिल्टी एज दे वर रिजॉइसिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ पोम्पे हु वॉज वंस देयर रीजन ऑफ जॉय। सिटीजन इसलिए अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि वो पोम्पे जो था उसकी एग्जीक्यूशन, उसको सजा दी गई, उसको मार दिया गया, उसको वो रिजॉइस कर रहे थे। जबकि एक समय पे पोम्पे जो था वो एक कारण था उनके लिए खुशी का। दे यूज टू गैदर बिसाइड द स्ट्रीट्स ऑफ रोम अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन टू गेट अ ग्लांस ऑफ पोम्पे। कुछ समय पहले तक वो लोग अपने बच्चों के साथ रोम की सड़कों पर इकट्ठे होते थे ताकि वो पोम्पे की एक झलक पा सके। दे यूज टू शाउट लाउडली आफ्टर गेटिंग अ व्यू ऑफ पोम्पेस चैरियट। जब उनको पोम्पे के रथ जहाँ पर वो सवारी करता था, जिसपे वो आता था, उसकी एक झलक पाकर वो चिल्लाते थे। बट टुडे दे वर वेटिंग टू चीयर फॉर द किलर ऑफ पोम्पे। लेकिन आज वो उसकी मौत का तमाशा देखने सब इकट्ठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट टू स्पेशल इवेंट्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। इस दिन दो स्पेशल इवेंट्स जो थी कौन कौन सी थी? द टू स्पेशल इवेंट्स दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे आर द ट्रायंफ ऑफ जूलियस सीजर अगेंस्ट पोम्पे एंड द फीस्ट ऑफ लुपरकाल। और आज की दो खास घटनाएं ये थी। पहला, जूलियस सीजर की युद्ध में जो जीत हुई थी, युद्ध मतलब गृह युद्ध जो था पोम्पे के खिलाफ, उसमें उसकी जीत हुई। दूसरा, फीस्ट ऑफ लुपरकाल, लुपरकाल का जो फीस्ट था, जो महाभोज रहता है, उसके लिए वो इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। डू यू थिंक दिस इज अ गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले? से वाई यू अग्री और डिसअग्री दैट इट इज गुड। क्या आपको लगता है कि किसी भी प्ले, किसी भी नाटक की शुरुआत के लिए ओपनिंग सीन बहुत ही अच्छा था? अगर आप अग्री करते हो तो भी बताइए, नहीं करते तो भी बताइए। आई थिंक दिस इज गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले। ये एकदम सही सीन है। शेक्सपियर जो थे, ही रोट मैनी प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर। सीजर की लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे प्ले लिखे हैं। इट इज़ एन एक्साइटिंग प्ले विद मैनी कलरफुल कैरेक्टर्स। बहुत ही अच्छा प्ले है जिसमें कलरफुल कैरेक्टर्स हैं, कुछ पावरफुल स्पीशीज हैं एंड लॉट्स ऑफ एक्शन। एक्शन तो बहुत ज़्यादा है। सीजर गेट्स एसेसिनेटेड बाई ब्रूटस, कैशियस एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द रोमन सेनेट। सीजर को एसेसिनेट मतलब मार दिया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है इन लोगों के द्वारा जिनका नाम यहाँ बताया गया है। हियर इज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले इन विच वी डू नॉट मीट एनी ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। तो पहले सीन में हम किसी भी मेन कैरेक्टर से नहीं मिलते हैं, बट वी हियर सीजर्स नेम मेंशन, लेकिन हम सीजर का नाम सुनते हैं मेंशन किया हुआ। द सिटीजन्स ऑफ रोम हैव स्टॉप्ड देयर वर्क एंड गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स टू वेलकम सीजर बैक टू रोम। लोग जो थे रोम के, वो वहाँ इकट्ठे हुए थे वेलकम करने के लिए रोम में सीजर का, क्योंकि वो जीत कर वापस आ रहा था। सीजर हैज़ जस्ट डिफीटेड पोम्पे इन सिविल वॉर। मैरलस एंड फ्लेवियस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम द सेलिब्रेटिंग द इवेंट। सीजर जो था उसने अभी पोम्पे को हराया था सिविल वॉर में। मैरलस और फ्लेवियस जो थे वो दोनों यहाँ पर लोगों को डिस्करेज करने के लिए आए थे कि भाई ये कोई बड़ी इवेंट नहीं है जिसको तुम सेलिब्रेट करने आए हो। द सीन डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ एंड द ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ द किंगडम। इट वर्क्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। दे वेट विद पेशेंस टू नो द नेक्स्ट इवेंट ऑफ द प्ले। ये जो सीन था, इसने लोगों को ये बताया कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही थी, किस प्रकार की घटना वहाँ पर चल रही थी उस किंगडम के अंदर, और लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि भी आगे क्या होगा ये जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कोटेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसको रीड करके हमें आंसर देने हैं क्वेश्चन के।
पहला क्वेश्चन है, पहले रीड करेंगे, व्हाट डोज दो विद द बेस्ट अपैरल ऑन, हु आज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया, मैरलस ने क्वेश्चन पूछा, किसको पूछा गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉबलर को, व्हाट डज द स्पीकर आज द क्वेश्चन, स्पीकर ने ये प्रश्न क्यों पूछा, द स्पीकर आज द क्वेश्चन एज द कॉबलर वॉज वेटिंग बिसाइड द स्ट्रीट ऑफ रोम लीविंग इज वर्क, कॉबलर से क्वेश्चन पूछा गया कि कॉबलर जो है वेट कर रहा था रोम की सड़कों पे अपना काम छोड़कर, यानी कि अपने काम धंधे छोड़ के वो सब वेट कर रहे थे, आपको पता है वेट क्या कर रहे थे, वो सब सीजर की खुशी को मनाने के लिए, जीत को मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, अ ट्रेड सर दैट आई होप मे यूज विद सेफ कंसाइंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्पीकर कौन है, यहाँ पर स्पीकर है कॉबलर, हु इज द सर दैट द स्पीकर एड्रेसेस, सर कौन है, यहाँ मैरलस से बात की जा रही है इसीलिए मैरलस जो है उसी को सर कहकर संबोधित किया गया है। व्हाट इज द प्ले ऑन वर्ड्स दैट द स्पीकर मेक्स, द स्पीकर फर्दर सेज दैट ही मेंट शू सोल्स एंड इफ मैरलस स्टार्ट्स आउट अ फाइट ही मे मेंट हिम ऑल्सो, स्पीकर ये भी कहता है कि वो जूते ठीक करता है और अगर मैरलस उसके साथ एक दो दो हाथ करना चाहे यानी कि लड़ना चाहे तो वो उसको भी ठीक कर सकता है, यानी कि जो कॉबलर है वो काफ़ी करेजियस है, काफ़ी ज़्यादा वो आक्रामक भी दिखाई दे रहा है। हाउ डज द पर्सन हु हियर्स दीज वर्ड्स रिएक्ट, जो आदमी इस प्रश्न को सुन रहा है वो कैसे रिएक्ट करता है, मैरलस गेट्स एंग्री अपॉन द कॉबलर ही कॉल्स हिम अ सौसी फेलो, मैरलस इसकी बात उसी से हो रही है, मैरलस इसकी बात कॉबलर की, तो मैरलस उसको बोलता है, गुस्सा होता है उस पर और उसको बोलते हैं सॉसी फेलो। व्हाट कॉन्कस ब्रिंग्स हिम होम, कौन सी जीत उसको घर लेकर आती है, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, मैरलस ये शब्द करता है यूज और किसको, सेकंड सिटीजन यानी कि कॉबलर को, हु इज द हिम बिंग रेफर टू, हिम कौन है यहां पर, द हिम बिंग रेफर टू इज जूलियस सीजर, क्योंकि उसी की जीत की बात की गई है ना, What were the conquest that this person made? Caesar just defeated Pompey in a civil war. क्या किया सीजर ने, अभी जस्ट डिफीट किया है पॉम्पे को। Where is home? Home is in Rome. Home की बात की, home कहाँ है, Rome. Rome शहर की बात की गई यहाँ पर। Draw them to Tiber banks and weep your tears into the channel. Who says these words and to whom are दे स्पोकन टू, ये शब्द किसको कहे जा रहे हैं और कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है, मैरलस सेज दीज वर्ड्स एंड दे आर स्पोकन टू द सिटीजन्स प्रेजेंट बिफोर हिम स्पेशली कारपेंटर एंड द कोबलर, मैरलस लोगों से ही बात कर रहे हैं, स्पेशली कोबलर और कारपेंटर जिनका हमने जिक्र पहले दो क्वेश्चन में भी किया था उससे बात की जा रही ज्यादा। वॉट इज द टाइबर, टाइबर क्या है, टाइबर एक रिवर है जो कि रोम में से फ्लो होती है। वॉट डज द them refer to, them का क्या मतलब, them refers to the citizens who were gathered to welcome Julius Caesar beside streets of Rome, them का मतलब है यहाँ पर लोगों से, citizen से बात की जा रही है, जो लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर उसकी जीत को celebrate करने के लिए। Why should the persons weep, लोग रोएंगे तो क्यों रोएंगे, उनको क्यों रोना चाहिए, क्या बात की गई यहाँ पर, the persons should weep as they were rejoicing the execution of Pompey who was once their reason of joy, लोगों को रोना इसलिए चाहिए क्योंकि पोम्पे की बात की गई है जिसको मारा जा रहा है आज, उसकी एग्जीक्यूशन फांसी है और लोग उसी के मतलब वहाँ पर देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन एक समय था जब वो उनकी खुशी का रीज़न था, वो लोग इकट्ठे होते थे स्ट्रीट्स पे रोम की अपने बच्चों के साथ उसकी एक झलक पाने के लिए, वो चिल्लाते थे जब उसके ग्लांस इसकी झलक मिल जाती थी चैरियट पे तो वो लोग चिल्लाते थे, लेकिन आज वो उसी की मौत का तमाशा देखने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। नाउ दीज ग्रोइंग फेदर्स plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who speaks his words and to whom? ये किसने कहा? Flavius ने कहा, किससे? Marullus से कहा. What is meant by growing feathers? Why would the feathers be growing? Feathers growing का मतलब क्या है और feathers क्यों grow होंगे भाई? Growing feathers meant the achievements of Julius Caesar. Julius Caesar के achievement की बात की गई, उसको पंख लग जाएंगे भाई. As Caesar was trying his best to make his kingdom united, prosperous, peaceful, he becomes popular amongst all. वो चाहता था अपने किंगडम को और ज़्यादा प्रॉस्परस, समृद्ध बनाने के लिए, और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ज़्यादा पीसफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा यूनाइटेड करने के लिए, और ऐसे में वो इस छोटी सी जीत से काफ़ी पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में।
What is meant by fly an ordinary pitch? Why does the speaker wish for this? Ordinary pitch से fly करना इसका क्या मतलब है और speaker ऐसा क्यों wish करता है? Fly in ordinary pitch means to make him common and simple to the citizens of the kingdom. The speaker wishes for this as they were supporters of Pompey and they never want to work under the bondage of Caesar. Fly in ordinary pitch का मतलब है कि वो लोग मतलब citizens के लिए एक simple, एक ordinary kingdom बनाना चाहते थे. Speaker supporter है actual में Pompey का, इस कारण से वो Caesar के under में काम करना नहीं चाहता है. What would happen if they If he was not stopped from flying an ordinary pitch? क्या होगा अगर उसको रोका नहीं गया था? If he was not stopped from flying an ordinary pitch, he would be invincible and omnipotent king of the kingdom. He would be the lord of everyone. They would have to live under severe fearfulness. अगर उसको रोका नहीं गया तो वो अगर वो ये जो ordinary pitch में उड़ने से उसको नहीं रोका गया तो वो एक बोला जाए तो मतलब उसको कोई हरा नहीं पाएगा. वो हर जगह प्रेजेंट रहेगा किंगडम के अंदर, सब लोगों को उसे लॉर्ड भगवान की तरह पूजना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और सब लोगों को उसके डर में, उसकी छत्रछाया में ही रहना पड़ेगा. तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.